भाई लोग वीडियो पे लाइक जरूर बनता है यार, लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो प्लीज ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंजॉय करो वीडियो। ले 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 ले। स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। एक बेहतरीन वीडियो आप लोग के लिए लाया हूँ फायर गार्ड कैंपर्स। दोस्तों शुरुआत मैंने शेंग द मोंग से किया है और अपोनेंट डोजो 12 का राम है। फायर गार्ड उसने लिया है दोस्तों स्कॉर्चिंग एसेंस वेपन के साथ। फाइट आते के साथ रगड़ना शुरू करती है दोस्तों। ये देखिए कितने अच्छे से रगड़ते हैं। फ्लेम थ्रोअर बबा का मिस हो गया। आले ले बबा का फ्लेम थ्रोअर मिस हो गया। बबा मेरे शेडो कॉम्बोस को अब झेलेगा। यहाँ पे लो अटैक किया है मैंने दोस्तों। बबा ने फिर से आग उगल दिया दोस्तों और मैं थोड़ा सा जल रहा हूँ। और उसके शेडो मूव्स कनेक्ट हो गए हैं। लो अटैक भी अब देखिए कितने अच्छे से रगड़ रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों फ्लेम थ्रोअर का कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, रगड़ते हुए फ्लेम थ्रोअर्स का इस्तेमाल। ये देखिए स्पिनिंग अटैक पे स्पिनिंग अटैक। फिर से उसने और आग साला मेरे को लगी गया दोस्तों। मुझे लगा कि कनेक्ट नहीं होगा और यहाँ पे मेरा शेंग द मोंग दोस्तों हार गया पहले राउंड में। कोई बात नहीं, चलते हैं अगले राउंड की तरफ, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट राउंड पे आ गए हम लोग दोस्तों, देखते हैं इसमें कितने अच्छे से रगड़ेगा ये फायर कार्ड। जी हाँ दोस्तों मेरा शख्स सही था। और ये देखिए फ्लेम थ्रोअर का पूर्ण इस्तेमाल और अच्छे से बैक बटन देखिए दोस्तों कंटिन्यूअसली प्रेस्ड है। बैक बटन हिल नहीं रहा है, मतलब ये लोग का जो कंसंट्रेशन लेवल है दोस्तों बैक बटन के साथ मानना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा शेडो बार फुल है और उसने शेडो फ्लेम भी लिया है दोस्तों। और यहाँ पे उसने मेरी स्पाइन तोड़ दी है अपने शेडो मूव से। शेंग अभी भी जल रहा है, हेल्थ उसका देखिए दोस्तों 50% तक खत्म। यहाँ पे ब्लास्ट ने मुझे सेव किया है। शेडो कॉम्बोज विंड कनेक्ट हुआ, लो अटैक। यहाँ पे सोल ग्रिप भी कनेक्ट हो गया दोस्तों, स्पेशल करेंगे अब। बाबा का शेडो मोम मिस हो गया है, बाबा काफ़ी सदमे में है दोस्तों। लेकिन एक फ्लेम थ्रोअर मेरा काम तमाम कर सकता है दोस्तों। और यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो गया है स्कॉर्च एरो विंड लो अटैक और मैं ब्लास्ट को यूज़ करूँगा बचने के लिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे ये फायर कार्ड पहले राउंड के लिए ख़त्म है। ज़बरदस्त दोस्तों, पहले मैच में तो मैं हार गया था लेकिन दूसरे मैच में होशियारी निकल गई इसकी दोस्तों। चलते हैं अगले राउंड में। शेंग भी लेकिन एक अच्छा हथियार है दोस्तों कैंपर्स को हराने में। अगर एक शेडो कॉम्बोज अगर आपका कनेक्ट हो जाता है तो 50% हेल्थ तो चला जाएगा। इस बार बवा मैं जानता था दोस्तों इस बार ये अटैक ज़रूर करेगा और इस बार मैं इसे परेशान करूंगा। आले ले बवा रगड़ रहा है। मेरा शेडो बार फुल है और मुझे बचना होगा क्योंकि उसने शेडो फ्लेम से, चलिए सोल ग्रिप कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब विल्ड विंड करेंगे लेकिन उसका फ्लेम अर्थ ऑन फायर कनेक्ट हो गया, मेरा शेडो कॉम्बोस पूरा हो नहीं सका। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, 50% हेल्थ हम लोग ले लिए है। उसका शेडो बार भी फुल है, कभी ना कभी वो फ़ायदा उठाएगा और उसने उठा भी लिया है फ़ायदा दोस्तों। ये है असली फायर गार्ड कैंपर्स दोस्तों, डोजो 12 के वो भी। ये देखिए बैक बटन का पूर्ण इस्तेमाल दोस्तों, ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं मेरे ख्याल से। यहाँ पे जंप की कनेक्ट हुआ, उसका फ्लेम थ्रोअर मिस हो गया। बवा सदमे में और मैंने अपना शेडो मूव बर्बाद कर दिया दोस्तों गलत टाइमिंग के साथ। ये देखिए कितने अच्छे से रगड़ रहे हैं, फ्लेम थ्रोअर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेंज वेपन को भी डॉच कर रहे हैं दोस्तों। कॉन्सेंट्रेशन लेवल देखिए इन लोगों का। यहाँ पे ग्रैब करने का इजी मौका मैं दे दिया हूँ, मुझे फिर बचना होगा फ्लेम थ्रोअर्स के लिए। मेरा हेल्थ लगभग उसके हेल्थ के बराबर ही है दोस्तों। राउंड का टाइमर भी आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। ये देखिए कितने अच्छे से रगड़ रहा है। यहाँ पे जंप की कनेक्ट हुआ, बबा को ये लगा नहीं था कि कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आले ले बबा सोच रहा है बबा क्या करेंगे। बबा का फिर से अटैक मिस हो गया। टाइमर आने वाला है दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ पे गौर फरमाइए। और यहाँ पे मेरी गलती देखिए दोस्तों, उसका अर्थ ऑन फायर और प्लस फ्लेम थ्रोअर दोनों कनेक्ट होगा और मेरा हेल्थ 14% 13% अब 12% हो गया है। अरे यार फिर गलती कर दी मैंने दोस्तों और वहाँ पे उसका शेडो मूव मिस हो गया, मेरे जंप किक कनेक्ट हो गया दोस्तों और 6% से मैंने ये राउंड को जीत लिया दोस्तों। अनएक्सपेक्टेड था ये, क्या बताऊँ मैं आपको। और ऊप से पवित्र भी कर दिया इस फायर गार्ड को दोस्तों, ये अपना जरूर फोन तोड़ दिया होगा आज। चलते एक और फायर गार्ड कैंपर की तरफ दोस्तों, क्योंकि है VIK। इस बार शुरुआत मैंने जैक बुलवर्क से किया दोस्तों और उसका टैलेंट अगर आप गौर से देखिएगा तो अर्थ ऑन फायर की जगह पे उसने ट्रायल काउंटडाउन लिया है और शेडो फ्लेम्स की जगह पे उसने क्रिटिकल मास लिया है दोस्तों। डोजो 12 का प्लेयर है, शुरुआत जैक बुलवर्क अच्छे से कर रहे हैं एकदम शानदार अपने स्टाइल से, बुलजाई
ओपनिंग स्टांस के साथ, और यहाँ पे बउआ अच्छे से रगड़ना शुरू कर दिया है, जंप किक भी किया है, अब अच्छे से रगड़ रहा है दोस्तों। कुछ कुछ देर में लगता है इसमें माता आ जाती है। यहाँ लो अटैक कनेक्ट हुआ है, उसका हेल्थ 50% लगभग ख़त्म ही होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं नॉर्मल अटैक करना चाहता था बेसिक, लेकिन हो गया हैवी कंट्रोल्स का इशू। और यहाँ पे बुलवार का जो एपिक वेपन का यूनिक एबिलिटी है दोस्तों, और यहाँ पे मेरी गलती को देखिए दोस्तों, मैंने जंप किक कर दिया और अपने आप पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली, और बुलवार राउंड वन में हार चुका है दोस्तों, जबकि मैं ये राउंड आसानी से जीत सकता था। कभी कभी मैं क्या बोलूँ दोस्तों, पेशेंस ही नहीं है मेरे में। राउंड टू फाइट, एरिना में इतने कैंपर्स हो गए दोस्तों, कई कैंपर से लड़ लड़ के मैं खुद कैंपर ना बन जाऊँ। यहाँ पे बेसिक अटैक कैंसिल किया, दोबारा बेसिक, बैक अटैक, ले ले बउआ हॉप करता है, बउआ को लो अटैक पड़ गया। इस बार भी मैंने वही गलती किया दोस्तों, लेकिन उसने रोल किया और मैं बच गया। और यहाँ पे दोस्तों इस बार उसकी गलती से मेरा पहला राउंड मैंने जीत लिया है दोस्तों। इस फायर गार्ड की सारी होशियारी हम लोगों ने निकाल दी है। चलते हैं अगले राउंड की तरफ, देखते हैं क्या होता है। राउंड थ्री बुलजा फाइट, इस बार फिर बेसिक से शुरुआत किया है मैं। बउआ अच्छे से रगड़ रहा है, मौका परस्त है दोस्तों, मौका ढूंढ रहा है कैसे अटैक करे, ये देखिए। और उसने मौका ढूंढ के अटैक कर भी दिया। वहाँ पे मुझे अप या लो अटैक करना चाहिए था। बुलवार स्पिनिंग बहुत स्लो है दोस्तों, और बउआ अच्छे से रगड़ रहा है दोस्तों, रेंज वेपन को डॉच किया उसने, और मुझे ग्रैप करने का मैंने उसको मौका दे दिया। बउआ का इस बार फ्लेम थ्रोअर मिस होकर अच्छे से रगड़ रहा है दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं। उसका शेडो बार फुल है, कभी भी मौका का फायदा उठाएगा। ये देखिए दोस्तों, चहलकदमी पे गौर फरमाइए, यहाँ पे मैंने उसे ग्रैब किया है, साथ में मैं अब स्मैश एंड ग्रैब करूँगा, पटक दे पटक दे पटक, और 50% हेल्थ खत्म है इसका। फिर मैंने वही गलती किया, स्पिनिंग अटैक, और इस बार लेकिन स्पिनिंग अटैक कनेक्ट हुआ है, और उसका शेडो मूव्स मिस हो गया दोस्तों। बउआ सदमे में है कि क्या करें अब हम, लेकिन उसका स्पेशल अटैक कनेक्ट हुआ है। जैसा आप लोग देखे दोस्तों, फॉरवर्ड रोल करके उसने फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल किया, और देखिए कितने अच्छे से रगड़ रहा है दोस्तों। टाइमर पे भी गौर फरमाइए दोस्तों, 30 सेकंड्स लगभग होने वाले हैं, और उसका शेडो मूव फिर कनेक्ट हुआ है, और हेल्थ पे गौर फरमाइए दोस्तों, इतने अच्छे से रगड़ रहा है। और यहाँ बुलवार ने मीटियोर करके इसको हैरान परेशान कर दिया दोस्तों, और यहाँ पे ये फायर गार्ड खुद ही ब्लास्ट हो गया है। आले ले बउआ हार गया, बउआ का कैंपिंग काम नहीं आया। आशा करता हूँ दोस्तों ये स्पेशल वीडियो फायर गार्ड कैंपर्स के ऊपर आप लोगों को पसंद आएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय।